नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रजा सिंह। आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। शारदीय नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है और आज नवरात्रि का चौथा दिन है, जिसकी धूम पूरे भारत में देखने को मिल रही है। वहीं नवरात्रि में मां दुर्गा के नौ रूपों की पूजा करने का बेहद महत्व है। घट स्थापना के साथ ही नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री, दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी और तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की पूजा की जाती है और चौथे दिन मां दुर्गा के चौथे स्वरूप मां कूष्मांडा देवी की पूजा की जाती है। माना जाता है कि मां कूष्मांडा देवी की पूजा करने से हर तरह के दुखों से छुटकारा मिलता है और धन संपदा भी प्राप्त होती है। तो चलिए आज मां के चौथे दिन आपको मां के शक्तिशाली चौथे स्वरूप से रूबरू करवाते हैं। या देवी सर्वभूतेषु मां कूष्मांडा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। शारदीय नवरात्रि के चौथे दिन मां कूष्मांडा की पूजा की जाती है। अपनी मंद हंसी से ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इन्हें कूष्मांडा के नाम से जाना जाता है। संस्कृत भाषा में कूष्मांडा कुम्हड़े को कहा जाता है और कुम्हड़े की बलि इन्हें बेहद प्रिय है, जिसके कारण भी इन्हें कूष्मांडा के नाम से जाना जाता है। माता का वाहन सिंह है। मां कूष्मांडा की आठ भुजाएं होने के कारण इन्हें अष्टभुजा वाली भी कहा जाता है। इनके साथ हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल, अमृत से भरा कलश, चक्र तथा गदा नजर आता है। आठवें हाथ में जप की माला, कहा जाता है कि इस जप की माला में सभी सिद्धियों और निधियों का संग्रह है। माना जाता है कि सृष्टि की उत्पत्ति से पूर्व जब चारों ओर अंधकार था और कोई भी जीव जंतु नहीं था, तो मां दुर्गा ने इस अंड यानी ब्रह्मांड की रचना की थी। सृष्टि की उत्पत्ति करने के कारण इन्हें आदिशक्ति नाम से अभिहित किया जाता है। कूष्मांडा देवी थोड़ी सी सेवा और भक्ति से ही प्रसन्न हो जाती हैं। जो साधक सच्चे मन से इनकी शरण में आता है, उसे आसानी से परम पद की प्राप्ति हो जाती है। मां कूष्मांडा को लाल रंग के फूल पसंद हैं। इनका निवास सूर्य मंडल के भीतर है। कहते हैं कि सूर्य लोक में निवास करने की क्षमता केवल मां कूष्मांडा में ही है और यही सूर्य देव को दिशा और ऊर्जा प्रदान करती है। मां कूष्मांडा को मालपुए बेहद प्रिय हैं, इसलिए नवरात्रि के चौथे दिन उन्हें मालपुए का भोग लगाया जाता है। मां कूष्मांडा की उपासना से भक्तों के समस्त रोग शोक मिट जाते हैं। मां कूष्मांडा देवी की भक्ति से आयु, यश, बल और आरोग्य की वृद्धि होती है। मां कूष्मांडा देवी अत्यल्प सेवा और भक्ति से प्रसन्न होती हैं। चमेली का फूल या पीले रंग का कोई भी फूल चढ़ाने से देवी मां प्रसन्न होती हैं और अच्छे स्वास्थ्य का आशीर्वाद देती हैं। तो देखा आपने कि कितना विशाल है मां का ये मनमोहक रूप। ऐसी मान्यता है कि मां कूष्मांडा की उपासना से भक्तों के समस्त रोग शोक मिट जाते हैं। इनकी भक्ति से आयु, यश, बल और आरोग्य की वृद्धि होती है। मां कूष्मांडा अत्यल्प सेवा और भक्ति से प्रसन्न होने वाली मां हैं, यानी मनुष्य अगर सच्चे हृदय से इनका शरणागत बन जाए तो फिर उसे अत्यंत सुगमता से परम पद की प्राप्ति हो सकती है। उम्मीद है कि मां कूष्मांडा आज आप सभी पर अपनी कृपा जरूर बरसाएंगी। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आज के लिए बस इतना ही।